नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राज्य मंत्रिमंडल में और हो सकते हैं 23 मंत्री, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दी जानकारी। बेला पुलिस स्टेशन का पीएसआई रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, रिश्वत लेते समय एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। नागपुर में सीआईयू पथक द्वारा की गई बड़ी रेड कार्रवाई, 25 प्रकार का प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू किया गया जब्त। अब खबरें विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल में 23 और मंत्रियों को जोड़ा जा सकता है, ऐसी जानकारी भाजपा नेता और वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दी है। सदन में कुल सदस्यों की संख्या के 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस हिसाब से राज्य में कुल 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें से 20 मंत्री मौजूद हैं और 23 और मंत्रियों का चयन किया जा सकता है। इसमें बीजेपी शिवसेना के विधायकों को और विस्तार के मौके मिल सकते हैं। मुनगंटीवार ने यह भी कहा कि ये विस्तार अगले कुछ दिनों में जल्द ही हो सकता है। 2000 साधारणतः श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी राजकारणामध्ये कितीही मंत्री करता येईल असा जो काही राजकारणामधला विषय होता त्याच्यावर बंधन घातले। साधारणतः विधानसभेमध्ये जेवढी सदस्य संख्या आहे त्याच्या 15% मंत्री करता येईल आणि ज्या ठिकाणी विधानसभा ही 40 सदस्यांची असेल तिथं कमीत कमी 12 किंवा इतर ठिकाणी 12 मंत्र्यांपर्यंत या संदर्भातलं जे बंधन आहे ते कायद्यामध्ये करण्यात आलं। महाराष्ट्रामध्ये 288 विधानसभा सदस्य आहे, त्यानुसार 43 मंत्री होतात। 43 पैकी आता या क्षणाला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व दोन्ही भाजप आणि शिवसेनेचे 9 कॅबिनेट मंत्री असे 20 मंत्री झाले आहेत। 23 मंत्री नवीन भविष्यामध्ये होतील। महाराष्ट्रामध्ये एकूण 50 विभाग आहेत। या 50 विभागापैकी 15 विभाग हे अतिशय सर्वसामान्य म्हणजे छोटे विषय आहेत, जसं आपण मराठी भाषा किंवा बगबोर असे साधारण छोटे विषय आहेत ज्याच्यासाठी कर्मचाऱ्यांची संख्यासुद्धा मर्यादित आहे। 35 विषय आहेत की ज्या विषयापैकी विधी व न्याय आणि इतर 2 सोडले तर 32 विषय सर्वसामान्यपणे ज्यासाठी आपण कॅबिनेट मंत्री करतो आणि कॅबिनेट मंत्र्यांना ही खाती विवक्षितपणे आपण त्यांना नियुक्त करून देतो। मागच्या सरकारमध्ये 33 कॅबिनेट मंत्री होते या इतर राज्यमंत्री होते। भारतीय जनता पार्टीसुद्धा आणि शिवसेना युती एकूण 43 मंत्री करता येतात। 43 मंत्री जेव्हा जेव्हा माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री चर्चा करून या 43 मंत्र्यांच्या संदर्भात आता जे 23 शिल्लक आहे या 23च्या बाबतीमध्ये निर्णय करेल। मला जेव्हा प्रश्न केला की साधारणतः मंत्रिमंडळाचा पूर्ण विस्तार हा कोणत्या दिवसापर्यंत होईल, तर निश्चितपणे येणाऱ्या काही दिवसामध्ये हा विस्तार होईल आणि या विस्तारामध्ये निश्चितपणे शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीच्या अनेक आमदारांना या संदर्भातली संधी प्राप्त होईल जनतेची सेवा करण्याची। महान परोपकारी नोरिको ओगावा के तीसरे स्मरणोत्सव दिवस के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध ड्रैगन पैलेस मंदिर में शुक्रवार को सुबह 9 बजे भिक्षुओं के एक प्रमुख समूह की उपस्थिति में एक महापरित्राण पाठ का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि विश्व प्रसिद्ध ड्रैगन पैलेस मंदिर का निर्माण जापान के महाउपासिका नोरिको ओगावा की मदद से कामठी शहर में किया गया था। ड्रैगन पैलेस को भारत मैत्री के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। ओगावा सोसाइटी की अध्यक्ष एडवोकेट सुरेखा कुंभारे ने राय व्यक्त की है कि यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ड्रैगन पैलेस मंदिर को नागपुर में पवित्र दीक्षा भूमि के साथ बौद्ध पर्यटक सर्किट में शामिल किया गया है। नोरिको ओगावा की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर 2 सितम्बर को महापरिक्रम पाठ और पुण्यानुमोदन कार्यक्रम का आयोजन ड्रैगन मंदिर में आदरणीय भिक्षु संघ की उपस्थिति में किया गया था। इस अवसर पर ओगावा सोसाइटी की अध्यक्ष सुलेखा कुंभारे के शुभास्ते उपस्थित पूज्य संघ को चिवरदान व भोजनदान कराया गया। विश्वविख्यात ड्रैगन पैलेस ची निर्मिती ही महाउपासिका जपान येथील मॅडम नोरिको ओगावा यांच्या दानातून झालेला आहे, त्यामुळे
हे जे विश्वविख्यात ड्रॅगन पॅलेस आपण बघता आहात ते मॅडम नोरिको ओगावा यांनी दान दिलं आणि म्हणून ही वास्तू उभी झालेली आहे या ठिकाणी. आता हे ड्रॅगन पॅलेस फक्त भारतामध्ये नव्हे तर संपूर्ण जगामध्ये शांती मैत्री व मानव कल्याणकारी विचार म्हणून प्रसिद्ध झालेलं आहे. तर मॅडम नोरिको ओगावाचं हे भारत देशाला फार मोठे एक दान आहे, एक फार मोठं गिफ्ट आहे. तथागत गौतम बुद्धाचा जन्म महापरिनिर्वाण आणि ध्यान प्राप्त भारतात झालं, त्यामुळे ओगावा मॅडमला भारताबद्दल खूप श्रद्धा होती आणि त्या श्रद्धेतून त्यांनी हे ड्रॅगन पॅलेसची निर्मिती केली. मी त्यांच्या ओगावा मॅडमच्या तृतीय स्मृती दिनानिमित्त त्यांना आदरांजली व्यक्त करते आणि संपूर्ण भारतवासियांकडून त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करते आहे की त्यांनी इतकं सुंदर वास्तू जे तथागताचा विचार फक्त देशामध्ये नव्हे तर जगामध्ये पोहोचवण्याचं एक महान कार्य केलेलं आहे. ते शरीर रूपामध्ये जरी नसतील तरी आपल्या कर्मातून आपल्या या धम्मदानातून ते आजीवन अमर झालेले आहेत असं मला वाटतं. नागपूर की प्रसिद्ध आयटी कंपनी VIPL का गणेशोत्सव VIPL का राजा नाम से मनाया जा रहा है. इस अवसर पर कई सेलिब्रिटीज का आगमन यहाँ हो रहा है, साथ ही सिंगिंग कॉम्पिटिशन का भी आयोजन किया गया है जिसमें नागपुर का टैलेंट ढूंढने का प्रयास किया जाने वाला है. VIPL का गणेशोत्सव VIPL का राजा नाम से मनाया जा रहा है. इस अवसर पर कई सेलिब्रिटीज का आगमन यहाँ हो रहा है, साथ ही सिंगिंग कॉम्पिटिशन का भी आयोजन किया गया है जिसमें नागपुर का टैलेंट ढूंढने का प्रयास किया जाने वाला है. इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है. इस अवसर पर कॉमेडियन एहसान कुरैशी, सिंगर शनमुख प्रिया, कॉमेडियन राजा रेंचो भी उपस्थित रहे. एक आयटी इंडस्ट्रीमध्ये कोविड नंतर एक सगळ्यात मोठं हे झालं की वर्क फ्रॉम होम कन्सेप्ट आला आणि वर्क फ्रॉम होममध्ये काय झालं की माणूस 24 तास घरी राहूनही कामच करतो. तर त्याच्यामुळे एक आपण जोपर्यंत बाहेर निघत नाही, आपण जोपर्यंत लोकांशी भेटत नाही, लोकांशी बोलत नाही, तोपर्यंत एक जो एकमेकाला भेटून एकमेकांविषयी आपला आदर किंवा आपला आनंद जो आपण एकमेकांशी शेअर करतो त्याची मजा काही और आहे. ह्याच संकल्पनेतून आम्ही हे सगळे प्रोग्राम आणि गणेशोत्सव एवढ्या मोठ्या प्रमाणात करतो आहे की प्रत्येक व्यक्तीने इथे यावं, काहीतरी पार्टिसिपेट करावं, काहीतरी परफॉर्मन्स करावा किंवा इथे होणाऱ्या वेगळ्यावेगळ्या कार्यक्रमाचा आनंद घ्यावा. हीच संकल्पना होती की IT क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांनी वर्क फ्रॉम होम कन्सेप्ट असताना सुद्धा आता आपण घरातून बाहेर निघून बाहेरच्या जगात काय होतं आहे आणि त्याचा आनंद काही एक वेगळाच असतो याच्यासाठी आम्ही हे गणेशोत्सवाची सुरुवात केली आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सभीको और गणपत बप्पा मोरिया. ओके सो यस, इंडियन आइडल का नया सीजन शुरू हो रहा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. जैसे अभी हमारा जो आइडल हुआ है वो आई थिंक सभी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इट्स लाइक अ ड्रीम कम थ्रू वाले मोमेंट है. जो भी जितने भी सिंगर्स हैं उन सबको मतलब जो सिंगिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन सभी लोगों का आइडल एक ऐसा मंच है जो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू वाले मोमेंट है. सो अभी वापस वो शुरू हो रहा है और आई एम एक्साइटेड फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड ऑल माय बेस्ट विशेस. हाँ सो अभी मैं VIPL से राजा का एक गणेश फेस्टिवल के लिए आई हूँ और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ. मेरा इवेंट कल है बट मैं एक दिन के पहले आई हूँ क्योंकि रिहर्सल सब कुछ तैयारी के लिए मैं आई हूँ आज. और नागपुर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पे मुझे ये सुनने को मिला कि यहाँ पे बर्फ़ी बहुत फेमस है एंड ऑरेंजेस एज वेल. सो मैं आज या कल मैं तो ट्राई करना चाहती हूँ डेफिनेटली. अभी कुछ लोग ऐसे थे कि अगर एक या दो गाने अगर सीख लेंगे तो दे विल बी लाइक हाँ आई एम अ सिंगर, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ. क्योंकि सभी को एक बेसिक से शुरू करना चाहिए म्यूज़िक को एकदम अच्छे से, एक अच्छे टीचर के से हमको सीखना है. दैट्स व्हेन यू गोना हैव अ लॉन्ग लास्टिंग करियर. सो सभी को मेरा यही है कि एकदम हार्डवर्क से एंड ऑल्सो बेसिक पूरा शुरू से आप म्यूजिक सीखिए एंड देन जस्ट एंटरटेन एवरीबॉडी. रेत के ट्रकों की ढुलाई करने के लिए रिश्वत मांगने वाले बेला पुलिस स्टेशन के उपनिरीक्षक आरोपी लोक सेवक सपाटे को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए नागपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी उपनिरीक्षक के खिलाफ बेला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच पुलिस कर रही है. आमच्याकडील दाखल असलेला अपराध क्रमांक 263 पोलीस स्टेशन बेला अंतर्गत याच्यामध्ये तक्रारदार जे आहेत ते वाशिम जिल्ह्यातली रहिवासी असून त्यांचे ट्रक रेतीचे हे ऑल इंडिया परमिटवर चालतात. दरम्यानच्या काळामध्ये दिनांक 26 आरोपी यांचा ट्रक तक्रारदार यांचा ट्रक हा छत्तीसगड राज्यामध्ये गेलेला होता.
तिथून परत येताना त्यांनी रेती रॉयल्टीचे घेऊन हे बेला पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत येत असताना आरोपी लोकसेवक श्री सपाटे पोलीस उपनिरीक्षक यांनी हा ट्रक पकडला. रॉयल्टी चेक केल्यानंतर त्यांनी तक्रारदारांशी संपर्क केला आणि त्यांना विचारले की किती वाहनं तुमच्या या हद्दीतून चालतात. यावरून त्यांनी 5 वाहनं चालत असल्याचे सांगितल्यानंतर त्यांना दिनांक 29 तारखेला भेट घेण्यासाठी बोलावले. परंतु तक्रारदार यांना कुठल्याही प्रकारची लाच द्यायची इच्छा नसल्याने त्यांनी थेट आमच्या कार्यालयाशी संपर्क केला आणि त्यानंतर आपण सापळा आजमावणी केल्यानंतर तक्रारदार यांना आरोपी लोकसेवक श्री सपाटे यांनी 5 ट्रकचे 15 रुपये ट्रकप्रमाणे एकूण 75,000 रुपयाची मागणी केली. तसेच यावरून दिनांक 31 तारखेला तक्रारदार यांच्याकडून 3 ट्रकची 45,000 रुपये आरोपी लोकसेवक यांनी स्वीकारल्यानंतर त्यांना रंगेहात पकडण्यात आले आणि पोलीस स्टेशन बेला अंतर्गत हा अपराध गुन्हा दाखल करण्यात आला. महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग महिला को राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता ने बदसुलूकी करते हुए सरेआम थप्पड़ जड़ा. इस मामले में MNS ने तीनों नेताओं को पद से हटा दिया है और एक नेता को पार्टी से निकाल दिया है. मुंबई पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए MNS के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम विनोद अर्गिले, राजू आगरीले और संदीप लाड़ है. वहीं इस घटना पर मनसे ने एक चिट्ठी जारी कर माफी भी मांगी है. यह घटना मुंबई के मुंबा देवी इलाके में हुई है और इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है. पीड़ित महिला का नाम प्रकाश देवी है. मनसे कार्यकर्ताओं ने उनकी मेडिकल शॉप के सामने प्रचार के लिए बम्बू लगाया था जिस पर महिला ने आपत्ति जताई थी. बुजुर्ग महिला से मारपीट करने वाले नेता का नाम विनोद अर्गिले है. वायरल हुए वीडियो में कई लोग अर्गिले को खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं. फिर भी वह अपनी हरकत से बाज नहीं आया और उसने बुजुर्ग महिला प्रकाश देवी को कई बार धक्के भी दिए जिससे वह जमीन पर गिर गई. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. बाहर बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना. और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना. मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले. का फिर से स्वागत है. महाराष्ट्र के अमरावती जिले से एक बहुत ही अजीब मामला सामने आया है जहां पुलिस अपने ही माता पिता के घर से कीमती चीजें चोरी करने के आरोप में एक महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इसकी जानकारी शुक्रवार को पुलिस द्वारा दी गई.
मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि माता पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने 21 साल की महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 380 एवं अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही ये भी जानकारी दी है कि ये चोरी 28 अगस्त के दिन धरनी में कथित रूप से महिला के घर में हुई थी। शिकायतकर्ताओं के अनुसार उनकी बेटी के दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध है और पूरा परिवार उनके इन संबंधों के खिलाफ है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। वहीं जब 28 अगस्त को माता पिता घर से बाहर गए हुए थे तो आरोपी व्यक्ति ने घर में प्रवेश किया और महिला के साथ मिलकर कुछ नकदी और आभूषणों को चोरी कर ली। धरनी के उपमंडल पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी अचलपुर में थे और दोनों को अमरावती लाया गया है। हालांकि काउंसलिंग के दौरान महिला बीमार पड़ गई थी और उसे अमरावती के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी व्यक्ति ने दावा किया कि दोनों शादीशुदा हैं और उसने हमारे सामने विवाह प्रमाण पत्र भी पेश किया है, जिसका सत्यापन करवाया जा रहा है। इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे ने अस्पताल में महिला से मुलाकात की और आरोप लगाया कि ये लव जिहाद का मामला है। बल्लारपुर शहर के एक कंप्यूटर संस्थान में 16 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में भाजपा के एक कार्यकर्ता को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। 30 अगस्त की दोपहर करीब 3:30 बजे पीड़िता काम के सिलसिले में संस्थान गई थी। संस्थान छात्रों को MSCIT की ट्रेनिंग देता है। उस समय का फायदा उठाकर संस्थान के निदेशक संजय वाजपेयी ने अपशब्द कहकर लड़की से छेड़छाड़ की। पीड़ित लड़की फौरन बाहर निकली और पड़ोसी महिला को इस मामले की जानकारी दी। महिला ने तुरंत मामले की सूचना लड़की के घर पर दी। मां ने बच्ची से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। आरोपी वाजपेयी भाजपा के पदाधिकारी है, इसलिए उन्होंने मामले को सुलझाने के लिए राजनीतिक दल के अपने दोस्तों को बुलाया। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की अड़िग रही और कहा कि वह पीछे नहीं हटेगी। 1 सितंबर को वाजपेयी द्वारा कंप्यूटर संस्थान का उद्घाटन करने के बाद नागरिकों ने वाजपेयी को पीटा और उन्हें बल्लारपुर पुलिस स्टेशन ले गए। पीड़ित लड़की ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। बल्लारपुर पुलिस ने तुरंत संजय वाजपेयी के खिलाफ धारा 354, पोक्सो 12 और 8 के तहत मामला दर्ज किया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले के सामने आते ही बीजेपी ने आरोपी वाजपेयी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। CIU की टीम को गुप्त जानकारी मिली थी कि करीब 10 लाख रुपए का अवैध तंबाकू का माल आयात होने वाला है। CIU की टीमों ने DCP गजानन राजमाने को इसकी जानकारी दी और उनके मार्गदर्शन में कार्रवाई शुरू की। 1 अगस्त 2022 को रात 9 बजे के बीच CIU स्क्वाड द्वारा आरोपी के घर पर छापेमारी की गई। आरोपी के घर से 6,11,000 रुपए मूल्य का 25 प्रकार का प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू जब्त किया गया है। 1 अगस्त 2022 को रात 9 बजे के बीच CIU स्क्वाड जोन 3 के प्रभारी PSI जितेश आरवेली को सूचना मिली कि प्लॉट नंबर 595 भूतिया दरवाजा दशहरा रोड महल पोस्टे कोतवाली नागपुर में सुगंधित तंबाकू बेचा जा रहा है। उन्होंने तुरंत अपने दस्ते के साथ मौके पर पहुंचकर छापा मारा। आरोपी का नाम शफीउल्लाह खान 64 वर्षीय यूसुफ खान है, जिसके घर से 6,11,000 रुपए मूल्य का 25 प्रकार का प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू मिला है। जब आरोपी से प्राप्त माल के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वह पांडुरना के एक दुकानदार से माल लाता है। वह 2 साल से अवैध तंबाकू डीलर के तौर पर काम कर रहा है। CIU की टीम उन पर काफी समय से नजर रख रही थी। जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि करीब 10 लाख रुपए का माल आने वाला है, CIU की टीमों ने DCP गजानन राजमाने को इसकी जानकारी दी और उनके मार्गदर्शन में कार्रवाई की। उक्त छापेमारी में CIU टीम के प्रभारी पुलिस उप निरीक्षक श्री जितेंद्र अरवेली के साथ उनकी टीम के प्रवर्तक दिनेश शुक्ला, आशीष अम्बाड़े, अमोल मेश्राम, राजेश बेंडेकर के साथ साथ कोतवाली के PSI कृष्णा सालुखे, पोवा वर्मा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार उपस्थित थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पोस्ट कोतवाली में IPC और खाद्य सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी के खिलाफ जांच जारी है। सब इंस्पेक्टर जितेश अरवली आणि त्यांच्या टीम ने कोतवाली पोलीस स्टेशन आदी मध्ये एक कारवाई केलेली आहे। सुगंधित तंबाकू जी बॅन आहे आपल्याकडे, तशी माहिती मिळाल्यावर टीमने तिथे रेड केलेली आहे। FBI बोलवून शहानिशा करून पंचनामा करून त्याच्यावर कारवाई केलेली आहे। जवळजवळ 6 लाखाचा मुद्देमाल सापडलेला आहे। प्राथमिक माहिती अशी आहे की बाहेरच्या राज्यातून घेऊन त्यानं साठा करून ठेवला होता आरोपीने। शफीउल्लाह खान नावाचे आरोपी आहेत, त्यांना
ताब्यामध्ये घेऊन पुढची कारवाई केलेली आहे। नागपूर जिले के मौदा तालुका के अंतर्गत तारसा ग्राम पंचायत को तालुका में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है। चूंकि इस ग्राम पंचायत का बहुत बड़ा वित्तीय कारोबार है, इसलिए ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव में बड़ी संख्या में स्ट्रीट लाइटें उपलब्ध कराई गई है। गांव में शमशान घाट के सौंदर्यीकरण पर बड़ी राशि खर्च की गई है और बड़ी बड़ी बिजली की बत्तियां लगाई गई है। कल शाम करीब 4 बजे तारसा निवासी नरेंद्र चिंधुजी हटवार का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शाम 7 बजे स्थानीय शमशान घाट ले जाया गया, लेकिन वहां जाने के बाद गांव के नागरिकों को शमशान भूमि में बिजली की आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होने के बावजूद मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में अंत्य संस्कार करना पड़ा, जिससे नागरिकों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। नागपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नागपुर नगर निगम ने हाल ही में शहर में हर दिन उत्पन्न होने वाले कचरे और मलबे को इकट्ठा करने का काम शुरू किया है। इससे स्वच्छ भारत अभियान को बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। इस कार्य के लिए नगर पालिका की ओर से एजी एनवायरो इंजीनियर लिमिटेड के तहत काम करने वाली हैदराबाद CND वेस्ट प्राइवेट कंपनी को नियुक्त किया गया है। कंपनी नागपुर नगर निगम सीमा के भीतर निर्माण और मलबे की प्रक्रिया करेगी। कार्यपालक अभियंता जन स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नगर निगम डॉक्टर श्वेता बैनर्जी ने बताया कि नगर पालिका द्वारा नियुक्त संचालकों ने पहले शहर के सभी हिस्सों का सर्वेक्षण किया और लक्ष्मी नगर अंचल से निर्माण व मलबा एकत्र करना शुरू किया। इस अवसर पर मुख्य स्वच्छता अधिकारी एवं उपद्रव जांच दल के जवान मौजूद रहे। तो VKB न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।